લોકડાઉનની વિપરીત પરિસ્થિતિ વચ્ચે જ્યાં ગરીબ માણસોને બે ટાઈમનું જમવાનું નસીબમાં નથી ત્યાં અબોલ પશુઓનું ધ્યાન રાખવું એ કોઈ સેવા યજ્ઞથી ઓછું આંકી શકાય નહીં. લોકડાઉનના છેલ્લા 50 દિવસથી અબોલ પશુઓમાં તે રોજના 3000 કિલો તરબૂચ, 1000 કિલો કાકડી, 1000 કિલો દૂધી તેમજ શ્વાનો માટે 500 લિટર દૂધ, 1000 બિસ્કીટના પેકેટ તથા પક્ષીઓ માટે 500 કિલો જેટલું અનાજ શહેરના પાલ વિસ્તારમાં આવેલ જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક જૈન સંઘ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. સંઘના અધ્યક્ષ નીતિન શાહે જણાવ્યું હતું કે તેઓના સંઘમાં 150 જેટલા યુવાઓ 50 જેટલી ગાડીઓમાં તમામ સામગ્રી લઈને શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વહેંચી રહ્યા છે. તેમજ તેઓનું આ મિશન જૈનાચાર્ય અભ્યોદય સુરીશ્વરના માર્ગદર્શન મુજબ શહેરના ડેપ્યુટી મેયર નીરવભાઈ શાહના નેતૃત્વમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે અને હવે પછી પણ કરવામાં આવશે. जब से ये विश्व में कोरोना की महामारी आई है तब से जब लॉकडाउन की परिस्थिति में आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता है तो आदमी को जब तकलीफ है तो आदमी खाना अपना कहाँ से लावे वो जब चिंता है उसमें ये अबोल पशु मूंगे गूंगे पशुओं को कौन खाना खिलाएगा ऐसा विचार हमारे डेप्यूटी मेयर श्री नीरव भाई शाह को आया और उन्होंने हमारे से संकलन किया और हमको बोला कि नितिन भाई आप कुछ जीवदया का काम सोचिए. तब हमने जब ये पशुओं कुछ मांग नहीं सकते हैं तो हमने पशुओं के लिए 10 तारीख से लगभग रोज के 3000 किलो तरबूज, 1000 किलो काकड़ी, 1000 किलो दूधी, 500-700 लीटर दूध, रोज 8 से 10 हज़ार बिस्किट के पैकेट और पक्षियों के लिए जुआर, ऐसा हमारे युवक महासंघ के लगभग 50 से अधिक गाड़ियां जिसमें 150 से अधिक युवा ने पूरे सूरत शहर के अंदर ये जीवदया का काम कर रहे हैं और अबोल गूंगे और मूंगे पशुओं को खाना खिलाने का काम हमारी संस्था की ओर से हो रहा है. जहां चाह है वहां राह है और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, ये सिद्ध किया है शुभ मंगल फाउंडेशन के सानिध्य में जैनाचार्य अभय दोसरी महाराज साहब की निश्रा में और सूरत के डेप्यूटी मेयर नीरव शाह के नेतृत्व में पूरी टीम लगी हुई है. यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि सब्जी के लिए टिंट सी कट रही है, ये तरबूज है, तरबूज कट रहे हैं, ये तरबूज है जो डिलीवरी के लिए तैयार हैं और उधर जो अपने दूध के कैन भरे जा रहे हैं, ये किसी शादी समारोह में या किसी सामाजिक समारोह के लिए नहीं है. एक बीड़ा उठाया है जैन युवाओं ने कि मानव नर सेवा नारायण सेवा और इस लॉकडाउन के अंदर समस्त कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे, वो तो सभी कर रहे हैं,
और ये मंडल भी कर रहा है, ये ग्रुप भी कर रहा है, लेकिन सूरत में लॉकडाउन के कारण कोई भी पशु और पक्षी भूखा नहीं रहे, उसकी तैयारी है। उसमें ये कम से कम दिन का 2 टन तरबूज, लगभग 2 टन टींसी और 500 लीटर दूध और मैरीगोल्ड बिस्किट और कम से कम 500 किलो कबूतरों को दाना डाला जाता है। जहाँ चाह है वहाँ रहा है।